काफी धमाकेदमक हो रहे हैं। चले अभी तो फिर कुछ और भी कुछ होंगे, अभी लाइन में लगे हुए थे। तो अभी ये क्या कहते हैं, और अफजई का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं? नहीं, वो कहते हैं जी बंद नहीं करना, तो हम शुमाली वजीरिस्तान में भी चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी एक दो दिन। अच्छा, शुमाली वजीरिस्तान के लिए। सही, तो उनकी कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई आजम अफरीदी है, कोई दर्रा फैलना। अच्छा, तारिक अफरीदी। तारिक अफरीदी उसके पास। तो ये मतलब कि क्या गवर्नमेंट के ISI के बंदे हैं स्पेशल यहाँ? कौन? यही खालिद ख्वाजा कर्नल इमाम। खालिद ख्वाजा तो मेरा ख्याल ISI का बंदा नहीं, वो तो CIA का बंदा है, अमरीकी CIA का बंदा है। और हैरत की बात है कि उसका रास्ता तालिबान की क्यादत से भी रहता। हाँ, इधर तो पिछली दफा आया था, काफी से मिलके गया था कि मुल्ला वगैरह सब से ना, क्योंकि ये तो मुझे जाती तौर पर इस बात का पता है कि खालिद ख्वाजा जो है वो उसका ना सिर्फ ये कि अमरीकी CIA से रहा है, बल्कि कादियानियों का एक बहुत बड़ा बैन अवी नेटवर्क जो है उसमें एक आदमी है मंसूर एजाज, जो कि अमरीकी है, ये उसका फ्रंट मैन है। और एक दफा मंसूर एजाज को लेके खालिद ख्वाजा मेरे पास आया था और उसने मंसूर एजाज को कहा, मंसूर एजाज को लेके मेरे पास आया, उसके पास एक ब्रीफ केस था और खालिद ख्वाजा साहब ने मुझे कहा जी कि ये मंसूर एजाज साहब हैं और ये अमरीकी हुकूमत के दो बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तो इनकी आप मुलाकात सैयद सलाहुद्दीन साहब से करवा दें जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह हैं, और ये उनके साथ मिलकर मसला कश्मीर हल करवा दें। तो मैंने इनसे पूछा जी कि ये इनके पास कौन सा ऐसी फिकर सिंह है या ऐसा कौन सा जादू का चिराग है कि ये मसला कश्मीर हल करवा देंगे, तो उन्होंने कहा जी कि इनका जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट से भी रब्ता है और इनका वाजपेयी से भी रब्ता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने वो मुलाकात तो नहीं कराई, मैंने सलाहुद्दीन साहब से पूछा, सलाहुद्दीन साहब ने कहा जी कि ये आदमी जो है ये पैगाम भेज रहा खालिद ख्वाजा कि आप जो है वो बरह रास्त इंडिया के साथ और अमरीका के साथ मुकम का करें, पाकिस्तान को बिजनेस से निकाल दें। तो उसके बाद वो जो मंसूर एजाज है उसने मुझे फिर कहा कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, मैंने कहा मैं साथ नहीं दूंगा। तो फिर उसने साजिश की और उस साजिश के नतीजे में वो मैं फिर रोजनामा साफ का एडिटर था, तो उसने फिर मुझे वहां से निकलवा दिया था मंसूर एजाज। तो मैं समझता हूँ कि खालिद ख्वाजा का न सिर्फ CIA से रब्ता बल्कि ये कादियानियों का भी एजेंट है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये कबायली इलाकों में जाता है और इधर उधर लोग। नहीं, अभी तो मैं इसको शायद पकड़ लिया तालिबान ने, क्योंकि इनके साथ वाला था तो वो उसकी तो डिमांड रखी है उन्होंने, जैसा आपकी 10 मिलियन डॉलर, तो अभी तो वो इनके पीछे। और आपको पता है कि इसकी जो बीवी है उसने लाल मस्जिद में क्या किरदार अदा किया था? नहीं, वो तो मतलब कुछ पता है कि नेगेटिव बहुत किया था, लेकिन वो ये था कि अब्दुल रशीद गाजी साहब जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने आखिरी वक्त में जो मेरे साथ बात की थी वो ये की थी, वो ये कह रहे थे कि ये तो पता ना आपको, उनका मौलाना अब्दुल अजीज साहब के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं था। जी जी हाँ, ये तो उनका वो था। हाँ, वो ये चाहते थे कि जो अंदर बच्चे और बच्चियां थे वो उनको बचाना चाह रहे थे अब्दुल रशीद गाजी साहब, और इसके इस मकसद के लिए उन्होंने काफी लचक का मुजाहरा किया और यहाँ तक कर लिया था उन्होंने कि वो कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूँ, शर्त सिर्फ ये थी कि मेरे साथ जो लोग हैं इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इनको आप छोड़ देंगे मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। तो लेकिन ये जो खालिद ख्वाजा की बीवी है इसने उम्मे हसान साहबा के जरिए इतना ज्यादा दबाव डाला, इतना ज्यादा दबाव डाला कि आखिरकार मौलाना जो अब्दुल अजीज साहब हैं वो अपने भाई से पूछे बगैर ये खालिद ख्वाजा जो है ये उसमें मुलव्वस था और वो बुरका पहन के बाहर आ गए। वो कट गया था। जी सर। तो क्या कह रहे थे आप उनकी वाइफ का? हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इनकी वाइफ जो है उन्होंने इतना ज्यादा दबाव डाला कि गाजी साहब कहते थे कि जी वो कहती है कि नहीं सिर्फ लड़ना है, सिर्फ लड़ना है और सिर्फ शहीद होना है, शहीद होना है। और उसके बाद ये कि न सिर्फ ये कि खालिद ख्वाजा साहब मस्जिद में से निकल गए बल्कि वो खुद भी भाग गई, इसकी बीवी जो है खालिद ख्वाजा। अच्छा, हाँ ये सुना था, वो भाग गई थी बाद में, वो भी भाग गई। और उसके बाद फिर वो अब मौलाना अजीज साहब भी निकल गए, उनको वो बुरका पहन के बाहर निकले, इन्होंने तो इन्होंने मजबूर किया था। हाँ, इन्होंने करवाया था तो वो बाहर निकले, उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर जब वो गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद फिर
जो है वो जो अपना अब्दुल रशीद भाई साहब हैं, फिर उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे खानदान पे और उलमा पर इतना बड़ा बदनामी का धब्बा लग गया कि मेरे भाई को बुरके में गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान टेलीविजन पर उसको इस तरह पेश किया गया। ये इतना बड़ा दाग लग गया कि अब ये दाग सिर्फ और सिर्फ मेरे खून से मिटेगा। तो फिर उन्होंने बस फिर वही उनकी बात जो उन्होंने अपनी बात पूरी की और उन्होंने कुर्बानी दे दी। इसलिए खालिद फ़याज़ साहब जो है और उनकी जो वाइफ है ये तो और कोई जाने ना जाने, अल्लाह ताला के सामने तो इनको जवाब एक दिन देना ही पड़ेगा। अभी ये आए थे इधर ना, तो कुछ साथियों से मेरे मिले थे, तो उनको ये कह रहे थे कि आपने अगर पाकिस्तान में काम करना ही है तो आप करो हमारे कहने के ऊपर, कोई एडमिरल है मियांवाली में, कह रहे थे कि उसके साथ मैं आप लोगों की सेटिंग करवा दूंगा, तो पाकिस्तान में जो अमेरिका के कंटेनर जाते हैं इनको आप लूट लो और इनको आग ना लगाओ, बल्कि बंदा भी हम देंगे तो उसको आप भेज देना। ये वो कह रहे जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करनी है वो भी हम आपको जगह देंगे, हर चीज देंगे, पैसे भी देंगे, अगर कोई वो जो मर्जी करें आप उन कंटेनरों के साथ लूटें अमेरिका का सामान, उसको आप लूटें जलाएं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन इसको ये तो पूछें कि तुम्हारा मंसूर एजाज से और विलियम कैसी के साथ क्या ताल्लुक। विलियम कैसी CIA का सरबराह था। सही सही। और ये जो है ये खुद मेरे सामने इतराफ कर चुका है कि इसका विलियम केसी के साथ ताल्लुक रहा है। इससे कहें कि चलो विलियम केसी को भी छोड़ो, जो कादियानी होते हैं, मैं तो कादियानियों को काफरों से भी बदतर समझता हूँ, इसका कादियानियों से क्या ताल्लुक है, मंसूर एजाज से इसका क्या ताल्लुक है, ये उससे पैसे क्यों खाता है, ये उसके साथ वो पाकिस्तान जब आता है तो ये उसको ले लेके हर जगह पर क्यों फिरता है, ये मुजाहिदीन के पास लेके उसको क्यों जाता है। बल्कि इसने तो अपने बेटा भी इधर अलकायदा में भेजा हुआ है, तो वो इसका बेटा भी जसूस ही होगा इसकी तरह। वो तो मेरी उनसे हुई थी बात ना शेखों से, तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको ना बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है। फिर सबसे बड़ा जो इसने धोखा किया था वो ये किया था कि एक दफा इसने मुझे कहा जी कि एक कोई मुजाहिद था अब्दुल रहमान अल कैनेडी, जी जी हाँ कैनेडी, वो यहाँ जो शुमाली वजीरिस्तान में शहीद हो गए थे, तो ये उसकी उसकी बीवी को और उसकी एक बेटी को लेके मेरे पास आया। सही सही। और इसने कहा कि इसका जो अब्दुल रहमान अल कैनेडी का बेटा है करीम उसका नाम था, वो जख्मी हो गया है, वो फौज ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो CMS रावलपिंडी में पड़ा हुआ है, और आप सिर्फ उसकी माँ की उससे मुलाकात करवा दें। तो मैंने इसको कहा यार ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये तो पहले मेरे खिलाफ है सारे, तो मैं आप किस किस से जाके तुम्हारे कहने पर मिन्नतें करता फिरूं। इसने कहा नहीं आप बस उसकी मुलाकात करवा दें, सिर्फ एक माँ की बेटे से मुलाकात करवानी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने क्या कहलवा के वो जो औरत थी वो उसको मैंने सिर्फ ये कि एक माँ जो है उसकी मदद करनी चाहिए, उस औरत को CMS रावलपिंडी में भिजवा दिया। वो जब वहां पे पहुंची तो उसने बुरके में से एक एक वो छोटा सा कैमरा निकाला और उसको अपने जख्मी बेटे को कहती है कि तुम अब एक बयान रिकॉर्ड करवा दो कि जनाब ये मेरा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है और मुझे इन्होंने यहाँ पे जबरदस्ती रखा हुआ है। तो वो नर्स थी जो उसने देख लिया, उसने वो कैमरा पकड़ लिया, वो गिरफ्तार होगी औरत वहाँ पे। तो जनाब अब जो सारा मलबा मेरे पे गिरा, उन्होंने कहा जी ये तो आपने भेजी औरत, और वो औरत जब गिरफ्तार हुई तो पता चला उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और 2 महीने पहले वो कैनेडा से होके भी आई थी। तो मैं और फंस गया। फिर उसके बाद मेरे पे बहुत मुश्किल वक्त आया, मेरे पे बड़ा अताब नाजल हुआ, और जब फिर उसको कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको छुड़वा लिया, उस औरत को और उसकी बेटी को भी छुड़वा लिया, रहा करवा लिया हुकूमत पाकिस्तान से। वो औरत फिर कनाडा गई, वहां उसने टोरंटो में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने बेटे के साथ। उस औरत ने इतराफ किया कि मैं CIA के लिए काम करती हूँ। तो अब इस तरीके से इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है खालिद फ़याज़ साहब ने, तो उनकी बीवी जो है वो इतना जबरदस्त हिजाब करती है, तो इन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है, इनकी बीवी हिजाब भी करती है, ये इस्लाम के नाम लेवा भी हैं, और ये इस तरीके से हम जैसे जो दुनियादार और गुनाहगार किस्म के लोग हैं, हम ये समझते हैं कि यार ये नेक अल्लाह के नेक लोग हैं, तो इनकी हम अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे तो शायद हमारे भी गुनाह बख्शे जाएं। तो जब हम लोगों को ये धोखा देते हैं तो उससे हम लोगों का एतमाद जो है वो तमाम जो मजहबी तबका उससे उठ जाता है। बिल्कुल, ये तो असल में मतलब गलत नाम भी नहीं, फौज भी नहीं है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा की है। बहरहाल अगर ये कहीं पे है तो इसको पूछे तो सही ना कि तुम अब्दुल रहमान कैनेडी का भी नाम इस्तेमाल किया, तुमने मंसूर एजाज के साथ मिलके भी काम किया, तुम विलियम केसी के साथ मिलके भी काम। फिर ये एक और ये कुहाट में जवेर इब्राहिम प्राजा साहब हैं। जी जी। जवेर इब्राहिम प्राजा साहब का वहाँ बहुत बड़ा मदरसा है। जी
हाँ जी उधर बहुत मदरसा है उनका भी। अच्छा, और वो जो है हमेशा जो है वो ये इतवारी इलाकों में जो लोग अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, ये हमेशा उनकी मदद करते हैं प्राजा साहब? हाँ जी उनको छुड़वाते भी हैं। हाँ आपके सामने है ना उनकी तो खिदमात से आप सब लोग वाकिफ हैं। तो ये प्राजा साहब को धोखे से इसने बुलाया इस्लामाबाद खालिद ख्वाजा ने, और उसको कहा कि मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक बड़े अहम आदमी से, और उसको यहाँ पे सरीना होटल में एक अमरीकी नायब वजीर खारजा आया हुआ था उसके पास ले गया और उसको जाके कहा कि जी ये आदमी है प्राजा साहब, तो ये आपसे जनाब ये अलकायदा से अलकायदा और तालिबान से आपका मुजाकरात करवा सकता है। तो प्राजा साहब जो है वो बड़े पढ़े लिखे आदमी, उनको समझ आ गई कि मेरे साथ धोखा हो गया। वो वहां से कमरे से बाहर भागे और फिर उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा यार तुम सही कहते थे इसके बारे में। तो भी ये वैसे लास्ट टाइम उनकी तरफ ही गए हैं प्राजा भी, वो मुझे प्राजा